फिर से एक बार है आरिफ भाई हमारे साथ में और आज हमें कुछ नए फिश के बारे में हमें नॉलेज देने वाले हैं। तो आरिफ भाई आप कौन से फिश के बारे में आज हमें नॉलेज शेयर करने वाले हो? काफ़ी सारे लोगों की मुझे कमेंट्स में आया था, मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़ा कि गुरामी के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैंने ये वीडियोस गुरामीज़ के ऊपर बनाया हुआ हूँ। गुरामीज़ के अंदर जो टाइप्स होती है अदर अदर टाइप्स के, वो टाइप्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। कुछ गुरामीज़ ऐसी होती है कि जो नॉन एग्रेसिव में आती है, कुछ गुरामीज़ ऐसी होती है जो एग्रेसिव में आती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल जाइंट गुरामी और नॉर्मल जो ब्लू गुरामी होती है और गोल्डन गुरामी, ये जो है थोड़े एग्रेसिव होते हैं। और ड्रॉप गुरामी, रेली गुरामी या कॉपर गुरामी और नियॉन गुरामी, ये सब जो गुरामी है और ये जो है नॉर्मली रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये ज़्यादा हम नहीं करते हैं, मच्छियों को मारते नहीं हैं। तो मैं आप लोग को इसी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और इसी के ऊपर आप लोग को बताऊँगा कि किस टाइप्स के गुरामीज आप किस टाइप में रखा जाता है, उसका ब्रीडिंग पर्पस, ब्रीडिंग किस तरीके से करना होता है गुरामीज को और उसको किस तरीके से रखा जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके आरिफ भाई, ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी देख लेते हैं। सो आरिफ भाई, ये वाले कौन से टाइप की गुरामीज है? ये रेड रिली गुरामी है भाई। ओके, और ये वाली? ये वाली ड्रॉप गुरामी है। तो ये वाले हम प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं? जी, प्लांटेड में रख सकते हैं आप नॉर्मली। आपके पास अगर आपको ज़्यादा कुछ, मतलब आपने ज़्यादा मच्छी नहीं रखी, आपको विदाउट ऑक्सीजन में भी रखना है, तो आप इसको इजीली रख सकते हो। Okay. मतलब बाउल वगैरह में आपने या छोटे से टैंक में आपने रखा है तो उसको रख सकते हैं। राजीव भाई, इधर जो गुरामी दिख रही है, ये कौन से टाइप की? ये नॉर्मल गुरामी है, ब्लू गुरामी है, गोल्डन गुरामी है, ये सारे टाइप की। तो ये भी प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं? ये प्लांटेड में नहीं चलती भाई, एक्चुअली ये मच्छी जो है थोड़ा निप करती है, जैसे कि गोल्डफिश वगैरह या फिर टेटर्स वगैरह को ये मार डालेगी, तो ये आप लोग इसको प्लांटेड में नहीं रख सकते। अगर आपने नॉर्मली, आप बिगिनर है, आपने नॉर्मली टैंक रखा है, जैसे कि एग्जांपल आपने छोटा विदाउट ऑक्सीजन का टैंक बना रखा है, जैसे बहुत से लोग किसिंग गुरामी रखते हैं या ब्लू गुरामी है या गोल्डन गुरामी है, तो ये आप इसको पाल सकते हैं इजिली शार्क वगैरह के साथ में। और अरे भाई, ये वाले कौन से टाइप की गुरामी है? ये जाइंट गुरामी है, ये 2 फीट तक का साइज चले जाता है इन लोग का, तो ये आप लोग ध्यान में रखें, आप इसको नॉर्मल प्लांटेड में नहीं चलती है, गोल्डफिश में नहीं चलती है, आप इसको मॉन्स्टर फिश में रख सकते हैं, एग्जांपल ऑस्कर में, या फिर आप इसको सिल्वर शार्क में, या फिर आप इसको नॉर्मल शार्क में, आप इसको डॉलर के साथ में रख सकते हो। और अरे भाई, ये वाले कौन से टाइप की गुरामी है? ये भी जाइंट गुरामी का एक टाइप है, ब्लैक आइज में ही है, तो ये भी आप इसको मॉन्स्टर में ही रख सकते हैं, 2 फीट तक का साइज जाता है इसका। आप इसको बड़े एलिगेटर कार में या फिर पिकॉक बास में भी आप इसको रख सकते हो, आप इसको बिगर साइज के डॉलर में, बिगर साइज के सिल्वर शार्क में या ऑस्कर में भी आप इसको रख सकते हो। ये वाली कौन सी टाइप की गुरामी है? पल गुरामी है, ये पल गुरामी भी आप इसको प्लांटेड में रख सकते हो। अगर आपको नॉर्मली गुरामीज का सेटअप वगैरह करना है छोटा सा, तो खूबसूरत है, तो आप इसको रख सकते हैं। ओके, यानी इसको भी प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं? इसको भी प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं। ये जो गुरामी फिश है, इसका वाला लाइफ स्पैन क्या है, यानी कितने दिन तक जिंदा रहती है? गुरामी इसका क्या होता है कि 3 से 5 साल का लाइफ है। एग्जांपल okay. आपने छोटी गुरामी ले रखा है तो उसका लाइफ 2 से 3 साल रहेगा, अगर आपने जाइंट गुरामी रखा है तो आपका 3 से 4 साल तक का, 5 साल का लाइफ होता है। बड़ी जाइंट गुरामी में हिल्लो का लाइफ ज़्यादा होता है नॉर्मली छोटे गुरामीज के मुकाबले में, क्योंकि हिल्लो का छोटी साइज होता है, थोड़ा सा लाइफ कम होता है, छोटा होता है, तो 2 साल 3 साल समथिंग पकड़ के चलो इसको। ओके, तो आरिफ भाई, ये जो गुरामी फिश है, इसका वाला मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, टैंक का जो साइज है वो? ये गुरामी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप 1.5 फुट से लेके 2 फुट के टैंक तक में रख सकते हो उसको इजीली। अगर आपके पास बड़ा जाइंट गुरामी वगैरह आप पाल रहे हो या फिर आप मॉन्स्टर कोई गुरामी पाल रहे हो, तो आप उसको तो उसको बड़ा टैंक लगेगा, 3 फुट से लेके 4 फुट तक का टैंक लगता है, क्योंकि वो और गुरामी से क्या होता है कि काफ़ी लोग यहाँ से एक पीस ले जाते हैं या 2 पीस लेके आते हैं, तो फिर वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाते, तकलीफ में आ जाते हैं, अरे भाई मेरा गुरामी बड़ा हो गया, उसके साथ में क्या रखूँ, को समझ में नहीं आ रहा, बाद में एग्रेसिव हो जाती है ज़्यादा बड़ी होने के बाद, तो आपको वो हिसाब से उसके अंदर मच्छी ऐड करना पड़ती है। जैसे कि आपने बड़े साइज़ का गुरामी लिया, आपका 1 फुट का 1.5 फुट का हो गया, तो फिर वो मारना चालू करती है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर आपने गुरामी रखे हो तो पर्टिकुलर जब साथ में मच्छी डालते हो तो एक पर्टिकुलर टैंक में आप साथ में एक साथ डालें, ताकि सब साथ में बढ़े और साथ में रहे एंटर। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। सॉरी भाई, ये जो गुरामी फिश होता है, इसको एयर स्टोन की जरूरत होती है क्या, यानी ऑक्सीजन पंप की वगैरह? गुरामी की जितनी भी वैरायटी आप बिना ऑक्सीजन में उसको रख सकते हो इजीली, उन लोग को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता। अगर मैं बाउल में रख दूं तो? बाउल में भी आप इसको इजीली पाल सकते हो, बाउल में या फिर आप ड्रम में या फिर आप इसको कांच के बाउल में, मतलब एक बर्नी में भी आप इसको रख सकते हो, बट इतना ज़रूरी है कि आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मच्छी कोई भी हो विदाउट क्लोरीन का वाटर चाहिए उसको, जिसमें क्लोरीन ना हो, क्लोरीन रिमूवर डालना ज़रूरी है। तो अरे भाई, ये फिश के लिए हमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए कम से कम, ऐसा कुछ?
सबसे पहली बात है कि भाई लोग को हीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती गुरामीस को, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर आपका है, अगर आपने एसी वगैरह लगा रखे हो तो आपको इतना ज़रूर नहीं, वार्म वाटर आपको रखना पड़ेगा क्योंकि एसी है तो वाइट स्पॉट आने के चांसेस ज़्यादा है और मच्छी ठंडी की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप 24 के दौरान हीटर रख सकते हैं 24 के ऊपर अगर एसी चला रहे हो तो। अगर आपने पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता तो प्रॉब्लम होता है, बाकी आपका आप जहाँ पे रहते हो मतलब आप जैसे आप ठंडे क्लाइमेट में रहते हो तो आपको थोड़ा सा हीटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी गुरामीस के लिए भी। अगर आप नॉर्मल 20 या 26 के अबव में रहते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हमें बताइएगा। क्या होता है कि गुरामीस के अंदर थोड़ा सा बॉडी शेप में फ़र्क होता है, जैसे कि एग्जांपल आप ब्लू गुरामी लेते हो तो मेल जो होते हैं उसके जो टेल होते हैं काफ़ी बड़े टाइप में होते हैं और कलर खूबसूरत होता है गुरामीस के अंदर, मेल का कलर खूबसूरत होता है और फीमेल थोड़ी सी बदसूरत होती है, हल्की सी और मोटी सी फुगी भी रहेगी थोड़ी सी, तो वो मालूम पड़ जाता है उसके अंदर के थोड़ा सा थोड़ा सा साइड में जो है वो इमेजेस दिखाई है डिफरेंस शो करने के। अब बॉडी के हिसाब से अगर आप ले रहे हो, अगर आपने पाल रहे हो आप तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मेल है और फीमेल है। अगर आपने खरीद के रखा है घर में तो आपको इजीली पता चल जाएगा। क्या होता है कि हर एक मच्छी को अपने नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि मतलब भाई उसको आप कंपेयर करना चाहिए कि भाई हाँ ये मेल है फीमेल है, आपको खुद ब खुद पता चल जाता है मच्छी पालते पालते आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है ना अरे भाई, तो हमें थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में बताइए ना फिश के। ये जो है इसका ब्रीडिंग का जो प्रक्रिया है, इसकी जो तरीका है, आपको क्या करना है कि आप इसको कॉमन में भी ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी गुरामीज लाए उसके अंदर भी आप इसको ब्रीड कर सकते हैं। नॉर्मली सेम इनका पैर साइड में चले जाएगा, आपको एक कोई भी मतलब जैसे कि आप थर्माकोल का टुकड़ा या प्लास्टिक का एक टुकड़ा, जैसे कि लोग ऊपर नेस्ट लगाते हैं फाइटर जैसा नेस्ट लगाते हैं ऊपर इन लोग, तो वही ये फीमेल लोडेड होगी और मेल नेस्ट लगाएगा उसी तरीके से फाइटर जैसा ब्रीड होगा ये। और आपको क्या करना है, आप ने तो एक बादाम का पत्ता डाल सकते हो ऊपर, या फिर आप इसको पत्ता डालेंगे तो हाँ नेचुरल लुक आएगा, नेचुरल वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्लास्टिक का पन्नी भी डाल के आप इसको ब्रीड कर सकते हैं नेस्ट के ऊपर। नीचे नेस्ट जो रहता है वो नीचे लगाते हैं, जैसे थर्माकोल के शीट के नीचे लगाएंगे, या फिर अपना जैसे कि आपने कुछ प्लास्टिक का एक पन्नी रख दिया उसके नीचे लगाएंगे इन लोग, तो उसके ऊपर ब्रीड होता है और मिनिमम इसका 2 से 2.5 हज़ार बच्चे देते हैं इन लोग। हेलो क्वांटिटी काफी ज्यादा निकलता है डिफरेंट टाइप्स में और जॉइंट गुरामी में बचाना थोड़ा सा रिस्क क्या है कि जिस तरीके से आपको रखना है इन्फोसिया जरूरी है इसके लिए बेबीज को। इन्फोसिया आपको कल्चर बनाना है घर में बादाम का छिलका या बादाम के अपना केले के छिलके से फीड करने के लिए, बेबी के फीड के लिए कल्चर बनाना जरूरी है। बॉयल एग का जो है वो भी आप इसको डाल सकते हैं बेबीज को, बट स्टार्टिंग में नहीं डालना है, इतने बच्चे बारीक रहेंगे तो आपको इन्फोसिया जरूरी है। इन्फोसिया जरूरी है, मिनिमम आपको हफ्ता भर इन्फोसिया डालना है, उसके बाद आप बॉयल एग्स का जो अंदर का बल्क को डाल सकते हैं, उसके बाद आप उसको डेफनी वगैरह या फिर कीड़ा वगैरह डाले, स्टेप वाइज चलना होता है। इस तरह से हम बच्चे को भी ग्रो कर सकते हैं ना। जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ेगा वैसा उसका फीडिंग चेंज होने लगता है। स्टार्टिंग में इन्फोसिया इसलिए बोला गया कि इन्फोसिया आपको कल्चर बनाना है केले के छिलके से, या फिर सलाद के पत्ते से आप उसको बना सकते हो, या फिर आप बटाटे का जो ऊपर का छिलका होता है वो आप उसको बकेट में रख के उससे भी बना सकते हो। तो आपको उस टाइप से वो बनाना है और आपको इन्फोसिया 24 आवर्स के बाद बन जाता है, जो वाइट जो ऊपर आता है उसको आपको हल्के से निकाल के आपके टैंक में आपको उसको डालना है। सॉरी भाई, इसके टैंक मेट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या रखा हूँ। मॉली रखा है यहाँ पे, वीडो रखा है यहाँ पे, जेब्राज रखा हूँ यहाँ पे, देखेंगे ये देखो वीडोज़ की वैरायटी है यहाँ पे मेरे पास, ये सब मैंने रखा हो इसके अंदर, ये टैंक के अंदर कांगो टेट्राज है, बोस्मानिया है, अदर वैरायटी में बड़ा साइज़ का थोड़ा सा टेट्रा बड़ा साइज़ का आपने रखे हो। प्लांटेड है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं, अंदर छुप जाते हैं थोड़ा, आइडेंटिक मिल जाता है थोड़ा, छुपने लगते थोड़ा मतलब बच जाते थोड़ा सा। अगर आपने नॉर्मली रखा है तो आपको आप नॉर्मली गुरामीज के अंदर मॉलीज या फिर आप रेम्बोस की वैरायटी या फिर आप एंजल की वैरायटी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये जो है इतना हार्मफुल नहीं है ये गुरामीज थोड़ा सा, तो आप इसके इजिली रख सकते हैं। बट आपने नॉर्मल गुरामी जंगली गुरामी पाल रखा है तो आप उसके अंदर एंजल वेंजल या फिर आप इसके अंदर दूसरी मच्छियाँ डालने से अवॉइड कीजिए, गोल्डफिश वगैरह ना डाले आप उसके अंदर। इसके अंदर इसको डिस्कस के साथ रख सकते हैं क्या? ये जो गुरामी आप इसको डिस्कस के साथ में भी रख सकते हो। ओके, ये वाली जो गुरामी है, ये वाली जो गुरामी जितनी भी इम्पोर्टेड वैरायटीज की जो गुरामी आती है आप इसको डिस्कस के साथ आराम से रख सकते हैं। अरे भाई, पैरेट के साथ रख सकते हैं? पैरेट के साथ में रखेंगे तो पैरेट उसके छितड़े उतार देगा, तो पैरेट के साथ ना रखें प्लीज। ओके, और ये वाला जो है डायनासोनी के साथ में आप रख सकते हो। ओके, और गोल्डफिश के साथ में? गोल्डफिश के साथ में भी आप रख सकते हो। ओके, और मोनो एंजल के साथ? मोनो एंजल के साथ में नहीं रहेगा वो, मोनो एंजल उसको मार डालेंगे। और ये चिकलेट के साथ? चिकलेट उसको खा डालेंगे।
टेंजरीन के साथ में रख सकते हो, सिल्वर शार्क के साथ में छोटा सा इसका सिल्वर शार्क रख सकते हो, डायनासोनी के साथ में रख सकते हो आप उसको, और टेट्रा के साथ में। अरे ये नियॉन टेट्रा थोड़ा सा कम ही डाले तो अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि लोग का मूविंग थोड़ा सा बहुत स्लो है, तो वो हिसाब से मोर्टेलिटी होने का मारने के चांसेस हो सकते हैं। और ये वाले जो टेट्रा है ये वाले के साथ में बिंदास रख सकते हैं आप। क्या हम अगर फिश शॉप में जाते हैं और हम अगर बिगिनर है तो क्या हमने गुरामी फिश को बाय करना चाहिए? यस करना चाहिए एक्चुअल, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत से लोग आते तो भाई शार्क वक्त चिपका देते हैं उनको, शार्क ऐसी मच्छी है कि काफ़ी बड़ी हो जाती है और धाम धूम टैंक के अंदर घूमते रहती है। तो गुरामी ऐसी मच्छी है कि पीसफुल जगह पे खड़े रहती है, अच्छी से मूविंग करती है, घूमती फिरती है, टाइम टू टाइम उसको खाना पानी दाना वाना डालो उसको, या फिर ब्लड वॉर्म्स डालो, ड्राई ब्लड वॉर्म्स डालो, या फिर टू बी फ्लेक्स वगैरह डालो आप इसको, या फिर हफ्ते में एक बार ब्लड वॉर्म्स वगैरह डाल सकते हैं आप उसको, प्रॉब्लम नहीं लाइफ में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है उसका। टैंकी पीसफुल दिखेंगी, अच्छी भी दिखेंगी, खूबसूरत दिखेंगी। मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, टैंक आपका नया है या आप नए नए हो, आपको नया अपने एंट्री मारा है आपने, आपको सीखना है, बिगिनर हो, तो आपको मेरे हिसाब से इम्पोर्टेड टाइप्स के गुरामी लेना चाहिए। काफ़ी खूबसूरत वैरायटीज में आते हैं, काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं। आपका छोटा टैंक है, टैंक में भी रखने के लिए बढ़िया फिश है तो नॉर्मली आप उसको प्लांटेड के साथ में भी रख सकते हैं। आपको अदर फिशेज नहीं पालना है भाई, बहुत ज़्यादा मरती है, टेट्रास वेट्रास है, बहुत मरता है, बोले संभालना बहुत हार्ड होता है, मैंने 2 डज़न लिया था, 3 डज़न लिया था, मर गए इतने बचे वो वाई वा, तो गुरामी बेस्ट है आपके प्लांटेड के लिए। अगर आपको नॉर्मली ये पॉट वाले प्लांट्स आते जो नए निकले हुए तो उसके अंदर आप उसको रख के थोड़ा सा एक छोटा सा प्लांटेड टैंक बना के एक लाइट लगा के ऊपर पैनल लाइट वगैरह लगा के या फिर आप छोटा सा हैंग ऑन लगा के आप उसको रख सकते हैं, इजीली आपका छोटा प्लांटेड टैंक रेडी हो जाता है। ओके आरी भाई, बहुत ही वही हमारा सवाल था कि क्या हम गुरामी फिश को यानी बिगनर्स है तो बाय कर सकते हैं कि नहीं, तो आपका आपने जवाब दिया कि यस, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे जो बिगनर्स है उनके लिए भी, क्योंकि गुरामी फिश को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो अगर कभी लाइन भी चले जाता है तो अगर बिगनर है नए है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत से लोग का मैं एक बात बता देता आप लोगों को, आप जो नॉर्मल गुरामी पालते हो ब्लू और येलो और किसिंग गुरामी, ये मच्छी के साथ में आप गोल्डफिश वगैरह ना रखें। क्या होता है कि गोल्डफिश के टेल वेल चबा डालते ही और किसिंग गुरामी किसिंग कर करके मच्छियों को मार डालती, तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई मच्छी खरीदे तो कौन सी रखना चाहिए उसके साथ में। गुरामी हर साइज हर टाइप की गुरामी गोल्डफिश के साथ में या फिर दूसरे मच्छियों के साथ में नहीं रहती, शुभमकिन वगैरह या फिर कोई वगैरह के साथ में तो आप उसको डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, बट गोल्डफिश के साथ में नहीं डाले तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, किसिंग और सादा गुरामी। ओके, सॉरी मैं, ये जो गुरामी फिश है इसके लिए कौन से टाइप का फिल्टर हमने यूज करना चाहिए? आपको नॉर्मली इसके अंदर स्लो मूविंग वाला, मतलब जैसे ज़्यादा फ्लो नहीं मारता वो वाला फिल्टर आपको रखना है, और इसके अंदर ऑक्सीजन फिल्टर भी चल सकता है, स्पंज फिल्टर सादे वाला, मगर आपको आपको इंटरनल फिल्टर एंड टॉपर फिल्टर अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप जॉइंट गुरामी में या फिर आप बड़ी साइज की गुरामी में आप रख सकते तो वो चलेगा, टॉपर फिल्टर या इंटरनल फिल्टर चल जाएगा, बट छोटी साइज की गुरामी के लिए आपको नॉर्मल स्पंज फिल्टर या फिर आप कैनिस्टर या हैंग ऑन वगैरह यूज कर सकते हैं इसके लिए, जो कम फ्लो मारता है तो आप उसको रख सकते हैं। इसलिए ये फिशेस को ज़्यादा करके फंगस होने का चांसेस क्या होता है कि पानी का क्वालिटी थोड़ा ख़राब रहेगा तो ही प्रॉब्लम आता है इसको, इसको भी वाइट स्पॉट होने के चांसेस होते हैं। वाइट स्पॉट आने का रीज़न क्या होता है कि ह्यूमिडिटी कमज़ोर होने की वजह से मच्छी की, तो वह हिसाब से वाइट स्पॉट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि क्या होता है कि मच्छी आप टाइम टू टाइम खाना या फीडिंग नहीं देते हो तो मच्छी कमज़ोर होने लगती है, तो वाइट स्पॉट बीमारी होने का चांसेस है। और दूसरा बॉडी का पानी का आपका क्वालिटी ख़राब हो जाता है तो आपको फंगस लगने का चांसेस है। तो जितना होगा आप इसको टाइम टू टाइम पानी चेंज करें और थोड़ा सा फीडिंग पे ध्यान रखें, फीडिंग अच्छा करें प्रॉपरली, और अगर आपको मेडिसिन करना है तो आप एंटीबायोटिक में बहुत सारी टैबलेट्स आती है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह या फिर पैरेक्सिन वगैरह, हाँ फंगस के लिए है टेट्रासाइक्लिन वगैरह या फिर पैरेक्सिन, या फिर आप सिप्लोफ्लॉक्सासिन या सिप्लॉक्स वगैरह आप इसको डाल सकते हैं ये जो है आप, या फिर आप इसको लिक्विड में डालने के लिए आपको जनरल एड का रिडॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल में येलो लिक्विड यूज़ कर सकते हो आप इसको, आपको नमक डाल के ये सब ट्रीटमेंट करना है तो आपका जो भी है गुरामी आपका इजीली सही हो जाएगा। अगर आप अरे भाई अगर वाइट स्पॉट वगैरह आता है फिश के ऊपर में तो वाइट स्पॉट आता है तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके अंदर आपको सॉल्ट का डालना है, उसके अंदर आपको मैथिलीन ब्लू डालना है, मैथिलीन ब्लू में एंटी ईच आता है रिडॉल का, या फिर आप मैथिलीन ब्लू की छोटी बॉटल मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, तो आप व्हाइट स्पॉट के लिए काफ़ी अच्छा काम आएगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा व्हाइट स्पॉट आए तो आप इसको नमक का बाद भी दे सकते हैं या फिर आप पोटेशियम बाद भी दे सकते हैं इसको, उससे भी क्योर हो जाएगा। हाँ आप सडनली 5 सेकंड या 10 सेकंड का आप बाद दे के इसको डाल सकते हैं, बाद में उसको आप एंटीबायोटिक में रखे उसको, उससे भी क्लियर होने के चांसेस है। फिनरॉट के लिए ज़्यादा करके आपको सबसे पहला यही है कि आपको सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल पानी चेंज करना है, उसके बाद फिर आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना है। एंटीबायोटिक जो है उसके टेल वगैरह जो ख़राब होते हैं
तो वो ख़राब होने की जो प्रक्रिया उसको रोक देता है थोड़ा सा, तो उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट करना चालू होता है तो उसके बाद उसके फिन से वापस से रिटर्न आना चालू होते हैं। तो आपको ध्यान रखें, जब तक आपका मच्छी का ट्रीटमेंट चल रहा है आपको 24 आवर्स में आपको ट्रीटमेंट करना है, 24 आवर्स बाद आपको पानी चेंज करना है कंटिन्यू, आपको 4 से 5 दिन कंटिन्यू करना है। अगर आपने येलो लिक्विड में रखा है तो आपको 2 दिन तक उसको येलो लिक्विड में रखना है और 2 दिन के बाद आपको पानी चेंज करना है, फिर से आपको येलो लिक्विड डालना है। उससे क्या होगा कि आपका मच्छी का जो होता है कि जो बीमारी है, बीमारी बढ़ने से रुक जाती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रक्रिया चालू हो जाता है। अरे भाई, इनको वेलवेट भी होता है क्या? इन लोग के बॉडी पे अगर एक मेक से जरा सा घसरन होने की वजह से या फिर कोई दूसरी गुरामीज ने किसी को मारा है तो उन लोग के बॉडी के ऊपर एक जख्म हो जाती है और जख्म होने के बाद उसके ऊपर एक फंगस होता है, तो वो फंगस को ही वेलवेट बोला जाता है। तो आप लोग को ध्यान में ही रखना है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक पोटेशियम का बाथ देना है। पोटेशियम का बाथ देने का ये रीज़न है कि उसके अंदर का जो बैक्टीरियाज वगैरह वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में उसको रखना है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में रखने के बाद इंशाल्लाह वो सही हो जाएगी। येलो लिक्विड या फिर आप टेट्रासाइक्लिन वगैरह या फिर कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट उसको यूज़ करके आप उसकी बीमारी को खत्म कर सकते हो। सो आरी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही प्यारा सा अपने नॉलेज दिया है गुरामी फिश के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि गुरामी फिश की केयर कैसे लिया जाए, उसके डिसीज क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या करना है, उसी के साथ में उसका ब्रीडिंग कैसे करना है, सभी का आपने बहुत ही प्यारा सा नॉलेज दिया है और बहुत ही अच्छा सा नॉलेज दिया है। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स है उनको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्प होगी उनको गुरामी की केयर लेने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच आरी भाई। सबसे पहले तो आप लोग एक बात बोलना चाहूँगा, सबसे स्ट्रांग मच्छी में आती है गुरामीज, काफ़ी लोगों को पसंद भी है। तो क्या होता है कि लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन या कई जगहों पे जैसे एग्जांपल लाइट वगैरह चली जाती है, लोड शेडिंग होता है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है मच्छी लेना चाहते हैं बट उन लोग के जहन में नहीं बैठता है। काफ़ी दुकान पर मेरे आते, शॉप पर आते, भाई बिना ऑक्सीजन वाली कौन सी मच्छी, बिना ऑक्सीजन वाली कौन सी मच्छी, तो बजट एक हल्का सा बना के आते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको गुरामीज ही रखना है तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की इम्पोर्टेड वैरायटी की रखें आप थोड़ा सा, तो उसके अंदर क्या होगा कि फिर आपका कलरफुल भी टैंक दिखेगा, काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा और ऊपर से आपका लाइट वाइट का भी इशू जो रहेगा उससे भी आपके मच्छी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गुरामी अगर आप रखना चाहते हो तो थोड़ा सा क्वालिटी वाला रखें, जैसे कि रेड रिली हो गया, ड्रॉफ हो गया या नियॉन हो गया या फिर पल गुरामी हो गया, थोड़ा एक मिक्सअप करके डालें। अच्छा, तो अच्छा अच्छा टाइप का गुरामी रखें, थोड़ा सा टैंक में भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा। अगर आप थोड़ा सा पत्थर वगैरह डालते हो, थोड़ा सा एक शो वाला आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगा के या स्टोन वगैरह या आर्टिफिशियल टॉयस वगैरह रख के आप सेटअप अच्छे से कर सकते हो। ओके, थैंक यू अरिफ भाई, थैंक यू सो मच। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।